तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम मैथ फॉर पावर प्रोग्रामिंग। और हमारे साथ एक देव शाह जी हैं जो कि एज ए डेमो ज्वाइन किया है आप लोगों के साथ। वीवीए की इनको क्लास लेनी है इसलिए एज ए डेमो आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीएम माइक्रो में कंडीशन की अप्लाई करना। आपको पिछली क्लासेस में मैंने कंडीशंस बताए थे, आप रिकॉर्डिंग के जरिए दिखा थे कंडीशंस, लेकिन क्या था कि उसमें हमने बस थोड़ी बहुत कंडीशंस के बारे में बात किया था। ठीक है, तो हम कंडीशंस में आपके साथ जो है एक डिटेलिंग के साथ करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में वेरिएबल्स बताए थे आपने। हाँ, तो वेरिएबल्स लास्ट, तो लास्ट क्लास में जब मैं फॉर्म की जो वीडियो भेजी थी शायद आपने उसको नहीं देखा था, उसमें अच्छा हमने अच्छा कंडीशंस हाँ के जी बारे हाँ में जी बात कर रखी। मैं आपको फॉर्म फिल करना बताया था ना, उसमें हमने आपको ये बताया था, एक वीडियो भेजा था उससे पहले जिसके बारे में फराज जी ने जिक्र किया था, उस वीडियो में हमने बता रखा था। ठीक है सर, मैं उसे देख लूंगा। तो देखना चाहिए था, करीब 10 या 12 दिन पहले भेज भेजा था वीडियो मैंने। आप मेरे मेल को इग्नोर कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, क्लास जिस समय मैं, जो क्लास का टाइमिंग है 8 to 9, वो क्लास के लिए होना चाहिए। अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं लेता हूं तो सर उस दिन कोई अदर काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्लास के लिए। बस देखना। हेलो, वॉइस हानिया जी, का प्रॉब्लम आ रहा है, जरा चेक कर लो आप, वॉइस का उधर से प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी वॉइस की प्रॉब्लम है? हाँ, उधर से ब्रेक हो के आ रहा है, वो देख लो, कुछ हैवी एप्लीकेशन था सर इधर। मेरे पास तो आपकी वॉइस ठीक आ रही है, मेरे ख्याल से ये दूसरी तरफ उनका इंटरनेट नहीं सही हाँ, होगा। जी की प्रॉब्लम है, जी आपकी मेरे आवाज पास तो सही आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट आ रही है। है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कमल जी ऑफलाइन चले गए, कमल जी की प्रॉब्लम थी। तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज कंडीशंस, कंडीशन विद फंक्शन। कल मैंने आपको वेरिएबल और फंक्शन बताने का मेन पर्पस यही था ताकि आप जो है आप इसका क्या बोलते हैं कंडीशंस को फंक्शन के जरिए समझ सके। तो हम क्रिटिकल कंडीशन जो इफ फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था ना, तो उस इफ फॉर्मूले के साथ हम वीवीए में करेंगे इफ फॉर्मूला। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे कुछ डेटा रखते हैं, लैंड बिटवीन लगा के हम कुछ डेटा निकालते हैं। जो हम इफ फॉर्मूला एक्सेल पे लगाते हैं ना, हम वही हम आपको वीवी के थ्रू लगाना सिखा रहे हैं कि वीवीए में इफ फॉर्मूला का कैसे यूज करें। राइट, अब मेरे पास देखिए यहाँ पे एक डेटा है। मैं चाहता हूं यहां पे एक इंसेंटिव लेना। इंसेंटिव का रूल ये है, मुझे जस्ट ये करना है, क्या करना है कि अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो 500 दे देना है। सिर्फ क्या करना है, कितने 50 तो 500 दे देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 50 हुआ तो यहां पे 500 आ जाए, या 5500 आ जाए, सॉरी 5000 लगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं ये वीवी के थ्रू लगाना, वीवी के थ्रू। तो हम चलिए वीवी में खुद के फॉर्मूले बनाते हैं और उसमें हम कंडीशंस को अप्लाई करना सीखते हैं। और जैसा कि कल बताया था कि वीवी के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शन में यहाँ पे मैं डाल देता हूं कि INC के नाम का फॉर्मूला, और इनपुट में हम कहते हैं कि n एज ए वेरिएंट, अरे क्या बोलते हैं,
लॉन्ग। ठीक है, जबकि अब आईएनसी नाम का मैंने फॉर्मूला बना दिया, तो मैं यहाँ इक्वल करूंगा तो मुझे आईएनसी दिखेगा फॉर्मूला लिस्ट में, क्योंकि हमने आईएनसी नाम का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया A2 का, A2 की जो वैल्यू है 42, यहाँ N पे स्टोर हो गया। N क्या है? एक वेरिएबल है, हमने क्यों डाला? ताकि फॉर्मूले की इनपुट हो सके। ठीक है, अब इसमें हमने फॉर्मूले का एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब दूसरा पार्ट क्या है? कैलकुलेशन। उसको वैलिडेट करवाना है ना कि हाँ, वो लेस देन 50 है कि नहीं है। तो कैलकुलेशन करना है। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमने इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इफ फॉर्मूला जैसे हम एक्सेल को लगाते हैं ना, तो हर चीज सेम ही होता है, थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, वरना भावना तो क्या बोलते हैं, मीनिंग तो सब सेम ही होता है। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं डिम आर एज ए वेरिएंट या लॉन्ग, जो भी दे दीजिए अपने हिसाब से, और यहां देते हैं कि इफ, अब देखिए लगाने का तरीका है कि इफ कंडीशंस की एन इज ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एज पर योर कंडीशंस। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि मेरे पास सिंगल रिजल्ट है, यहां पे क्या है कि सिंगल रिजल्ट। तो सिंगल रिजल्ट में, और सिंगल में सिंपल क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे दैन आर इक्वल टू, हमने लिख दिया जस्ट 500, और कुछ नहीं करना है, और फिर हम वापस इसको असाइन कर देते हैं आईएनसी के ऊपर इक्वल टू आर, राइट। अब यहां पे हम देखिए डबल इसको एंटर मारते हैं तो रिजल्ट 0 आया। नीचे कीजिए, देखिए 500, जहां जहां कंडीशन मैच किया कहां पर 500। हेलो हाँ बोलिए, सर, ये इफ एल्स कहाँ लगाते हैं? हम बताते हैं, सब बताते हैं, आप देख लीजिए। सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो डिम लिखते हैं हम यहाँ पर, इस डिम का क्या मतलब होता है? डायमेंशन डिम से समझता है एक्सेल कि ये समझता है कि दिस इज द वेरिएबल्स, इसको हमें यहीं पे स्टोर करना सर जहाँ हमने इफ इफ में जहाँ हम कॉमा लगाते थे वहां पर देन, कॉमे का काम देन कर रहा है। है। हाँ ओके ठीक है, तो एक तरीका हुआ। इसमें क्या है कि सिंगल रिजल्ट एंड सिंगल कंडीशन, राइट। हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। सर एक क्वेरी थी, जो आप आर, ये जो आप ले रहे हो इनका मतलब कि फिक्स है या फिर मतलब कुछ भी अपन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए ये हो गया, अब मान लीजिए कि हेलो, मेरे पास दो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो 500 और लेस देन 50 हुआ तो मैं यहां पे 100 करना चाहता हूं। तो मेरे पास एल्स भी है क्या प्राण जी? तो मेरे पास क्या है, एल्स है, तो मैं यहां पे
लिखूंगा फंक्शन INC/2 और यहां पे n एज ए लॉग और सेम dim r एज ए वेरिएंट। हेलो फरहान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ फरहान जी जी, सर आ रही है आपको? उसके परफेक्ट आ रही है सर। हाँ, इफ हमने बोला कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन फिर मुझे यहां पे देना पड़ेगा कि r इक्वल टू 500 और फिर यहां पे देंगे इज r इक्वल टू 100 और फिर यहां पे। तो अगला ये हमने लगाया कि कम लगाया कि सिंगल एल्स नहीं था, सिंगल रिजल्ट था और बाकी चीज बाकी सारी चीजें थी, इसलिए हेलो। हाँ बोलिए, मैं देव बोल रहा हूँ। हाँ देव, हाँ एक्चुअली अभी देखिए ना, आपको यहाँ पे ना अपने टोटल दो बकेट बनाया, दो बकेट, ओके दो बकेट बनना है, जैसे कि 500 का और मोर देन 500, ओके। सपोज मेरे को 6-7 बकेट बनाना है, जैसे कि उसका फिक्स करना है। मैं बताऊं, जैसे कि बताऊंगा, हाँ, वो भी बताऊंगा, हाँ, चिंता मत कीजिए, ये सिंगल धीरे धीरे चल रहा है ना। okay. तो सिंगल रिजल्ट में हम सीधे डाल दे एंड इफ करने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास एल्स होता है या फिर मोर देन वन कंडीशन होती है कि आर इक्वल टू 500 होना चाहिए या किसी और कैलकुलेशन हुआ तो हमें एंड इफ डालना पड़ेगा, मतलब कि Then से जो एंटर मारेंगे तो आपको एंड इफ लिखना पड़ेगा, जो आप एल्स की बात करते हैं तो उस केस में। अब हम बात करते हैं जी, क्या बोल रहे हैं? सिंगल रो में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एल हम सिंगल रो में एक ही दे सकते हैं ना, यहाँ पे आप एल्स कैसे लगाएंगे, यहाँ डायरेक्ट एल्स नहीं लगा सकते, एंटर मारना ही पड़ेगा, लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो लिखने का तरीका कुछ तरह सिंगल सिंगल लाइन, सिंपल सी बात कीजिए ना, सिंगल लाइन में कब लिखते हैं? जो मेरे पास एक कंडीशन और एक रिजल्ट होता है, एक से ज्यादा हुआ तो हमें इस फॉर्मेट में, ठीक है? 100 कंडीशन होगा, 100 लाइन देना पड़ेगा। हाँ सर, एक बात बताओ, जो आर वैल्यू को हमने ये 500 प्लेस किया हुआ था और नेक्स्ट एल्स में 100 प्लेस किया हुआ, तो क्या उसका मतलब क्या ये 500 दोनों में से एक ही होगा? दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों थोड़ी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इफ कंडीशन, समझ गया सर, या तो 100 हो या वो, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे बिटवीन देना चाहता हूँ कि अगर हम बोलते हैं कि 50 to 80 होगा तो मुझे मान लीजिए कि 800 का एक इंसेंटिव देना है, 50 to 80। तो यहाँ पे दो कंडीशन है क्या? यहाँ पे दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन के लिए क्या करेंगे देखिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि इफ सर, यहाँ पे सर इनपुट का वेरिएबल, हाँ दे देता हूँ, एन एज ए लॉन्ग और हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने असाइनमेंट नहीं किया हुआ है कि INC/1=R और यहाँ पे dim r as a हमने long दे दिया या variant दे दिया, जो भी करना है। अब यहाँ होगा कि if n, अब यहाँ पे दो condition देना है, तो if n is greater than equal to 50 और यहाँ पे हम and लिखेंगे, तो if के साथ and देने का तरीका देख लीजिए क्या है, n is less than equal to 80 लेस देन इक्वल टू 80, तो 80 में यहां पे आएगा और उसके बाद देन रिजल्ट हमारा होगा कि r इक्वल टू 800 और एल्स है तो एल्स दे दीजिए कि r इक्वल टू 0 या जो भी देना चाहते हो दे दीजिए और लास्ट में हमारा एंड। अब एल्स नहीं है तो एल्स देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और एल्स है, एल्स आप डाल सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए।
सर इसके अंदर जैसे आपने बताया जैसे बिटवीन का है 800 रुपए है, ठीक है, अगर हमारे पास और भी कुछ वैल्यू है कि जैसे 50 से 80, 800 रुपए, 81 से 100, 1000 रुपए, तो उसके लिए अपन को ऐसे सेव करना पड़ेगा क्या? वेट कीजिए, वो भी बता रहा हूँ आपको। ओके ओके, यहाँ पे हमने हमने एंड को बताया कि किस तरह से एंड, अगर तीसरा तीसरा कंडीशन कुछ है तो यहाँ पे भी और एंड यहाँ लगा सकते, तो ऐसे एंड 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 आप लगाते हुए जा सकते। अब एंड के बाद बात करते हैं और की, और की तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोड लिखे हुए, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कोड है, तो मुझे यहां पे टाइप में देना है, तो यहां पे टाइप में देना है कि भाई 11 हुआ, 124 हुआ, 120 हुआ और 125 हुआ। अगर ये पांचों होता है, ए पांचों चारों जो होता है, चारों अगर होता है तो मुझे यहां पे इन हाउस देना है, ठीक है, इन हाउस देना है। अगर नहीं होता है, अदरवाइज नहीं होता है, तो फिर यहां पे हम सेंट्रल देते हैं या कुछ और देना जो भी वर्ड देना चाहते हैं बेसिक। तो मुझे कितने कंडीशन चेक करने, मुझे कंडीशन चेक करने हैं चार, लेकिन चारों कंडीशन नहीं होगा, कोई चारों में से कोई एक होगा। यहां पे हमने कब एंड का ऑप्शन लगाया था तो क्या था कि दो कंडीशन था, दोनों रिक्वायर्ड थे कि दोनों होगा ही होगा, कि चार से ज्यादा होगा और 80 से कम होगा। लेकिन हमारे इस कंडीशन में क्या है कि कोई एक ही हो सकता है, तो यहां पे हम फंक्शन देते हैं, फंक्शन में टाइप नाम का फॉर्मूला बनाते हैं, टीपी के नाम से बना दीजिए, टाइप नाम का फॉर्मूला ऑलरेडी है इसलिए, एंड एज ए हम यहां दे देते हैं वेरिएंट, कोड भी हो सकता है तो इसलिए हम डाल देते हैं यहां पे। अब यहां पे कंडीशन होगा कि डिम आर, यहां पे आर एज ए क्या डालेंगे, यहां पे कौन सा वेरिएबल डालेंगे, इंटीजर ले लो सर, जो इंटीजर लाएंगे, हमें तो इनहाउस, हमारा रिजल्ट क्या है, इनहाउस और सेंट्रल, तो टेक्स्ट है ना, स्ट्रीम में लिखना, सॉरी माफी चाहूंगा, तो यहां पे देंगे कि इफ एन इक्वल टू 11 और एन इक्वल टू 124 और एन इक्वल टू 125 देन क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू होना चाहिए इन हाउस, ठीक है, और एल्स आर इक्वल टू होना चाहिए सेंट्रल, और फिर यहां पे ठीक है, और उसके बाद यहां पे आप टीपी इक्वल टू आर सर आईपी लिख दिया, टीपी करो उसको, ठीक है, रिजल्ट आ जाए, ये हो गया। अब चाहिए, हाँ बोलिए सर, जैसे आपने और लगा लगा के कंडीशन दिया है तो इसमें मतलब कितनी भी कंडीशन हम बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें? 255। अब तीसरा है, लेकिन सर जो ये बोलिए जो हमने एंड के लिए केवल हम दो ऑप्शन ही होने चाहिए, दो में ऑप्शन होना चाहिए, एंड भी 255 ले सकते हैं सर, आपने ध्यान से देखा नहीं, मैंने बोला था कि आप इसके आगे और भी कंडीशन एंड एंड करके बढ़ा सकते हैं, इसके आगे कंडीशन और है सर, उससे ज्यादा, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, 255 की जगह नहीं जाता सर, थ्योरी तो यही करती है, लिमिटेशंस में यही करती है, हमने कभी ट्राई नहीं किया तो कभी उतना कंडीशन की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें, सर 255 ज्यादा देना हो तो क्या करेंगे, 255 से ज्यादा देना होगा तो फिर उसके लिए दो फॉर्मूले लगा लेंगे, लगभग 1000 है इसलिए बोला था, हाँ तो चार फॉर्मूले लग जाएंगे ना, अच्छा 1000, और दूसरा बात है कि 1000 कंडीशन को लिखने में तो हालत खराब हो जाएगी आपको,
एक्चुअली सर मेरे पास है वो, व्हील कब लगाता हूँ। हाँ देखते हैं, देखिएगा ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो चीज है, जैसे कि अब एंड में कंफ्यूज हो रहे थे, चलिए बताते हैं कि अगर सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 हुआ तो रिजल्ट पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। सारे सब्जेक्ट में रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास, अदरवाइज फेल। तो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पे फंक्शन, कि फंक्शन मान लीजिए कि आर ई के नाम से देते हैं, कि चार सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वन एज ए इंटीजर कॉमा सब्जेक्ट टू एज ए इंटीजर कॉमा सब्जेक्ट थ्री एज ए इंटीजर एंड कॉमा सब्जेक्ट फोर एज ए इंटीजर, ठीक है। अब यहां पे हम ये दे देते हैं इडियम आर एज ए स्ट्रिंग, तो पास और फेल चाहिए, इसलिए यहां हो जाएगा कि इफ एस वन एज एस इफ एस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और यहां पे एंड हो जाएगा कि एंड एस टू इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड एस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड एस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन आर इक्वल टू पास और यहां पे एल्स आर इक्वल टू फेल। और यहां पे एंड और फिर आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा वापस आर, ठीक है। अब दूसरा हुआ कि ऐसे में तो दिक्कत ये हुआ कि आर ई करते हैं तो मुझे यहां पे ये तो चार सब्जेक्ट के लिए फिक्स हो गया, क्या बोल रहे हैं, चार सब्जेक्ट के लिए तो फिक्स हो गया ना, तो लेकिन हो सकता है कल के डेट में सब्जेक्ट ज्यादा हो या कम हो, क्या सर? तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए ताकि दूसरा चीज कि अगर मान लो कि हम हमारे पास चार है, मेरे पास 40 सब्जेक्ट है, 40 यहाँ पे 40 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, 40 हमें कंडीशंस देखने पड़ेंगे, राइट तो कुछ ऐसा होना चाहिए डायनेमिक। तो जब भी हम फॉर्मूला बनाए तो आप इस एंगल से भी सोचे, या कोई भी मैथ बनाते हैं तो इस एंगल से भी सोचते हैं, तो रेंज कर देंगे। हाँ तो वही आपको उसी दूसरा तरीका है बता रहा हूं कि मैं यहां करूंगा फंक्शन आर इज अंडरस्कोर वन और यहां करता हूं एन एज ए रेंज, सिंपल सा एन एज ए रेंज। अब क्राइटेरिया हो सकता है 33 से कम और ज्यादा भी हो सकता है, यहां पे एक और देते इनपुट सी एज ए वेरिएंट, ठीक है। और इसके बाद करते हैं डिम आर एज ए इंटीजर और फिर यहां पे हम लगाएंगे यहां पे कंडीशन एक और देना पड़ेगा क्योंकि तो रेंज है ना, तो डिम डिम के एज ए रेंज यहां पे 4 इट आर इन के इट के इन एन और यहां होगा कि इफ के डॉट वैल्यू is greater than equal to 33 then r आप कीजिएगा यहां पे देना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि हमें 33 सारे चाहिए,
हम यहाँ उल्टा कंडीशन लगाएंगे कि लेस देन 33 तो यहाँ पे अब डायरेक्ट यहाँ ये भी दे सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ भी असाइन कर सकते हैं कि RE1 इक्वल टू फेल, ठीक है, RE इक्वल टू फेल और यहाँ पे हो जाएगा एग्जिट फंक्शन, यहाँ पे एंड इफ ऐसा नहीं हुआ तो RE_1 इक्वल टू पास। अब देखिए यहाँ पे और फिर ये याद आ जाए आपका, नहीं यहाँ नहीं होगा, माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट के ये हमने लूप लगाया, हमने बोला कि जितना रेंज सिलेक्टेड है, जैसे कि RE1 में जो हमने रेंज सिलेक्ट किया है, जो भी रेंज सिलेक्ट किया है, कुमार 33 सी यहाँ पे 33 की जगह पे सी देना पड़ेगा। हमने बोला कि k डॉट वैल्यू, एक भी वैल्यू अगर लेस देन 33 है तो फेल है, तो इसने क्या किया कि यार इंटीजर ग्रुप नहीं था कि हमने फोर इच के इन n, जो हमने n सिलेक्ट किया है उसके हर एक सेल में जाएगा और उसकी वैल्यू को चेक करेगा क्या वो 33 से कम है। अगर 33 से कम होगा तो RE1 पे फेल को जो है ना शो करेगा और फंक्शन को यहीं पे क्लोज कर देगा, नहीं तो अगर मान लीजिए कहीं भी फंक्शन क्लोज नहीं होगा तो फिर RE पे पास जो है यहां पे पास शो कर देगा, समझे सर? रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा। देखिए क्या मैंने इसको उल्टा बोला होगा, मैंने बोला हुआ कि हर एक सेल की वैल्यू जाकर चेक करो क्या ए 33 से कम है। इसने चेक किया कि 33 से कम नहीं है, फिर इसको चेक करेगा 33 से कम नहीं है, फिर इसको चेक करेगा 33 से कम नहीं है, फिर इसको चेक करेगा 33 से कम नहीं है, तो ऐसा करते करते बढ़ेगा। तो फॉर्मूला यहां तक कब पहुंचेगा? जब सारे 33 होंगे, 33 से ऊपर होंगे, 33 से नीचे होगा तो अगर 33 से कहीं नीचे हुआ तो ये फेल को प्रिंट करेगा और फॉर्मूला को यहां क्लोज कर देगा, फॉर्मूला खत्म कर देगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपके ऑफिस में बोला गया कि 10 फ्लोर है, आपको चेक करना, आपको कंडीशन बोल दिया है कि भाई जिस फ्लोर के वॉचमैन मिलेगा आप उससे मिलके आ जाना, तो आप पहले नंबर फ्लोर पे गए वॉचमैन देखा नहीं है, फिर दूसरे नंबर पे गए नहीं है, फिर तीसरे नंबर फ्लोर पे गए तो वॉचमैन मिल गया, तो मिलने के बाद आप नीचे आ जाओगे, ऊपर जाने की जरूरत तो नहीं है ना। सिंपल सी बात है कि जहां पे इसको 33 मिल गया वही पे फॉर्मूले को बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, फॉर्मूले से बाहर आ जाएगा, बाकी चीज चेक नहीं करेगा, तो बाकी चीज चेक नहीं करेगा तो यहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं। यहां तक कब पहुंचेगा? जब वो हर एक सेल को चेक करेगा और हर एक सेल उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। समझे? और फोर इच हमने क्यों लगाया? ताकि जो भी रेंज सिलेक्टेड है, चाहे एक हो, चाहे 100 हो, चाहे 1,00,000 हो, हर एक सेल में जाएगा। और फोर इच के बारे में हम आगे क्लासेस में आपको और ज्यादा डीपली समझाएंगे। तो ये हमारा कंडीशंस का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है सर? एक छोटा सा पूछना था, अगर जैसे इसी सेल के अंदर हम कलर वगैरह या फिर कुछ चीज इंसर्ट करना चाहें तो फिर मैक्रो बनाएंगे ना, फंक्शन तो कैलकुलेशन के लिए होता है ना। क्या आप फॉर्मूले से डेटा कॉपी पेस्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो सेम उसी तरह है कि कलर वलर करना। सर एक क्वेरी है। बोलिए क्या क्वेरी है? सर आपने ये जो लगाया है कि कोई भी वैल्यू 33 से कम है या ज्यादा है, तो अपन ने यहाँ पे लास्ट वाले जो फंक्शन बनाया है इसके अंदर 33 का तो कहीं जिक्र किया नहीं है, इसको मतलब कैसे काउंट कर रहा है ये? यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? सी एज ए वेरिएंट, हमने इनपुट ले लिया सी, तो अपन ने कहीं डिफाइन तो किया नहीं सर सी इज इक्वल टू 33। हमने आप इसी तरह बोलते, ध्यान से देखिए तब पता चलेगा।
जब जो फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे 33 नहीं डाला हमने, ओके 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 यहाँ जो 33 डाला वो वेरिएंट है ना, स्टोर हो गया ये फुल्ली डायनेमिक, ये वेरिएंट है ना। हाँ ये फॉर्मूला क्या था, ये फिक्स है कि 4 पे चलेगा और 33 को ही चेक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला क्या है कि 4 हो या 400 हो सबको चेक करेगा बिल्कुल, और सब पे चलेगा और जितना मुझे चेक करवाना हो करवा सकते, दैट इज अ डायनेमिक फॉर्मूला। तो प्रोग्रामिंग में दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। यस सर, ठीक है ना। तो आपको अपने, अब मान लो कि आपको बस एक बार के लिए यूज करना है और सिंपल प्रोग्रामिंग सटीक है तो सिंपल प्रोग्रामिंग यूज कर लो, नहीं आप इन फ्यूचर में यूज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनपुट मिलेंगे तो यू कैन यूज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, 33 को तो यहाँ 33 की जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। और सर इसमें फॉर्मूले में एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग काउंटिव या वैल्यू का भी यूज करते हैं, क्या सेम चीज इसमें वेरिएंट है ऐसे पे यूज कर सकते हैं क्या? हाँ वो बताएंगे, वो सब बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तो कंडीशन पढ़ रहे हैं, फंक्शन की क्लास तो हुई है, वो फंक्शन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप कंडीशन को समझ सको। फंक्शन का पार्ट 1 है, फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे। सर एक चीज जानना था, आउट ऑफ द क्लास है एक्चुअली, मेरे को मेल भेजना है जो लास्ट टाइम आपने बताया था ना 10 बजे क्लास में, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन उसमें एक और नया प्रॉब्लम ये ऐड हो गया। सपोज एक ही फाइल में, सॉरी एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल, उसमें से 4-4 फाइल या 5-5 फाइल अलग अलग मेल आईडी पे भेजनी है, वो कैसे भेजूंगा? अब 4-4 फाइल के लिए मल्टीपल फाइल, उसमें नहीं 4-4 फाइल और 5-5 फाइल कौन सी होगी पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको। हाँ वो फाइल डिसाइड किया हुआ है, वो पीडीएफ फाइल है, तो कंडीशन होगा उसके लिए ना, वो कंडीशन आप अपने टीम के साथ शेयर किए, फरहान जी बना देंगे, फरहान जी उनकी प्रॉब्लम देख लीजिए आप बना पाएंगे इसको। ठीक है सर, शेयर कर दे मुझसे, मैं ट्राई करता हूँ। नहीं लास्ट टाइम भी दिया था, पता नहीं कोई बाप बोले थे क्लास कर लेने की। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना फरहान जी को मेल कर दीजिए, वो सॉल्व कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो फिर मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।